मैं अपना इंटरव्यू दुनिया में दिखाने का अनुमति देती हूँ। सरकार को पहले ही दिखना चाहिए, हम लोग गरीब हैं और हमारी मदद करें। उसके बाद में लाइट दे, बोले अपने कर्मचारियों से कि आके लाइट दे। सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के बायताल गांव में पिछले 6 माह से आधुनिकरण होने के बावजूद भी आज तक लाइट ना होने के कारण रंजना गौतम सहित 3500 लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लाइट नहीं है, उजाला नहीं हुआ था, बच्चे का परेशानी हुआ था, बहुत गर्मी लागत है, पंखा नहीं चल पाता था, बच्चे परेशान रहते, हमारे घर में बहुत से परिवार है। लाइट करीब 6 महीने से लगा हुआ है, बोर्ड टांग दिए कि लाइट नहीं चालू है। प्रयास बहुत किया है, वो प्रधान से बोले तो वो प्रधान बोले कि अभी आएगा, फिर भी नहीं लगाया, लाइट नहीं आया। दिक्कत यह है, लाइट लगी हुई है, दूसरे घर मोबाइल चार्ज पे लगाया जाता है। अगर अपने घर लाइट हो तो अपने घर लगाई, तब कुछ काम करे, कपड़ा लगता है, सब्जी शाम के टाइम मोमबत्ती बार के सब्जी काटा जाता है, शाम के टाइम मोमबत्ती बार के खाना बनाया जाता है, खाना खावा जाता है। अगर लाइट हो तो का इतना दिक्कत हो, इतना परेशानी हो। नया कनेक्शन जो आया हुआ है, 3 ट्रांसफार्मर आया जिसमें 50 घर उस ट्रांसफार्मर में जल रहा है, बाकी सब केबल या खंबा आधा तिहा लगा के छोड़ा गया है। इसमें कितने घर शेष बचे हुए हैं? अभी शेष लगभग 400 घर बाकी हैं। हम पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं, जब इससे ट्रांसफार्मर लगा के गए जेई के आदमी या जो भी बिजली विभाग के हैं, तब से आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, 3 दिन के बाद आएगा, 1 हफ्ते के बाद आएगा, यही कह के टाला जा रहा है। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि जल्द से जल्द लाइट चालू हो ताकि इन लोगों की समस्या दूर हो सके। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग जेई का मोबाइल नंबर है 70 81 60 0 295 पर फोन कर दबाव बनाए। मैं ब्रह्मजीत सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से इंडियन अहर्ड के लिए।